चीचम विलेज के लिए, और अभी हम जाएंगे सीधा लोसर के लिए। और सुबह या कल से पता नहीं कब से आवाज़ का थोड़ा इशू चल रहा था, वो आवाज़ नहीं आ रहा था पर अच्छे से, तो उसको वॉइस ओवर ही देना पड़ेगा। तो चलिए अभी सीधा निकलते हैं, आगे एक पॉइंट है जहाँ से स्पीति वैली का व्यू आएगा, वहाँ रुकेंगे कुछ वक्त के लिए और फिर सीधा लोसर, लोसर में लंच और फिर डिनर सीधा चंद्रताल, मतलब लेक पे नहीं, चंद्रताल कैंप साइट पे, और कल अर्ली मॉर्निंग चंद्रताल। तो यह है क्याटो, ये क्याटो विलेज जहाँ पे है वहीं से है एक अच्छा सा व्यू वैली का। चलो दिखाता हूँ आपको, अभी खींचते। ब्यूटीफुल वैली है, मस्त ग्रीन ग्रास, और आगे देखिए, आगे का पहाड़ देखिए, ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ पे तो कैंपिंग भी कर सकते हैं एकदम मस्त, और यहाँ पे छाव आ गई है तो काफ़ी ठंडी लग रही है, एकदम ठंडक छा गई है। यहाँ से दोस्तों शायद एक कोई ट्रेक होते होंगे और वो वहाँ से एक रास्ता बन रहा है, वो कहाँ पे लेके जा रहेगा पता नहीं। ये बीआरओ वाले भी कहाँ कहाँ पे रास्ता बना देंगे, एक एक दो दो घरों को जोड़ने के लिए भी रास्ता बना देते हैं। और दोस्तों ये नज़ारा देखिए, मतलब ऐसा लगता है कि यहीं पे बैठ जाए, ऐसे कहीं जाए ही नहीं। फिर भी अभी ग्रीनरी थोड़ी कम हो गई होगी, जब जुलाई में, जून जुलाई में आप आएंगे तो ये एकदम ग्रीन दिखेगा। वाओ, इस रास्ते से मैं पहली बार आ रहा हूँ, पिछले दो बार मैं वहाँ से गया था, रांगरिक होके गया था। तो पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, लेकिन ये नीचे से बह रही है स्पीति रिवर, वहाँ पे वो दिख रहा है वो हंसा विलेज है, और वो जो आपको रोड, आपको मुझे नहीं पता आपको दिखाई दे रहा कि नहीं, वो जो रोड आ रहा है वो आता है रांगरिक से, और ये रोड चिजम से आने वाला रोड आगे जाके वो हंसा विलेज के पहले मिल जाते हैं। तो यहाँ से एक व्यू है, यहाँ से आप पूरा फ़ोटो ले सकते, और एक वहाँ पर एक पॉइंट है वहाँ से आपको वैली का एक पूरा व्यू आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से जो वैली है उसका ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, जो स्पीति है थोड़ी सी ब्लूश हो गई है क्योंकि अभी उसमें जो ग्लेशियर से पानी आता था वो कम हो गया है, तो बहुत सारे ग्लेशियर ऐसे रहते हैं जिसमें से एकदम मिट्टी वाला पानी आता है, तो वो जब कम हो जाते हैं तो नदी का रंग बदल के थोड़ा ब्लूश हो जाता है, नहीं तो फिर वो ब्राउनिश कलर की रहती है या फिर ब्लैक कलर थोड़ा आ जाता है कहीं कहीं पे स्पीति में। और ये बहुत ही बड़ा डाउन हिल है, इसको अपहिल करने में क्या मज़ा आएगा। थोड़ी थोड़ी हल्की सी बारिश हो रही है और शायद आगे ऊपर थोड़ी बारिश रहेगी, जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ पे। और अभी आप देखिए स्पीति का दूसरा वाला व्यू, जैसे मैं टर्न करूँगा आपको स्पीति का दूसरा व्यू आ जाएगा, ये है वो। और वहाँ पे आपको एक रोड दिखाई देगा जो पहाड़ों के नीचे नीचे से आ रहा है, वो रोड
अल्टरनेटिव रोड है इसको, वहाँ से आप करीब करीब 15 से 20 मिनट बचा सकते हो, क्योंकि वो रोड भी अच्छा है और वहाँ पे क्लाइम नहीं करना पड़ता, वो रोड एकदम नीचे, मतलब नीचे नीचे से ही है, ऐसे नहीं कि कहीं पे आप ऊपर चढ़ रहे या कहीं पे आप बहुत ज़्यादा नीचे उतर रहे, एक दो जगह पे थोड़ा सा चढ़ाई होगी, क्लाइम होगा, ये तो नॉर्मल रोड ही है। तो देखिए क्या ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है स्पीति का, पानी तो जैसे ब्लूइश हो गया, और कितना बड़ा ये है रिवर का, पता नहीं कभी ये इतनी फुल इतनी भर के भी बहती होगी कि नहीं। तो अभी ये नया नया रोड बना है, काफ़ी बेहतर रोड है अभी, मतलब रोड अच्छा ही है चितम से, कई कई जगह पे थोड़ा सा ही एक ऑफ रोडिंग है, वो भी क्योंकि रोड का काम चल रहा है, रोड बड़ा हो रहा है तो रोड का काम चल रहा है उसके लिए ही है, वो भी शायद अगले साल कंप्लीट हो जाएगा, तो अगले साल से चितम से आने के लिए भी कम ही वक्त लगेगा और 10 मिनट बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हवा इतनी तेज़ चल रही है कि गाड़ी को भी रोक रही है। अभी ये जो पानी आ रहा है स्पीति में, ये देखिए ये एकदम क्लीन वाटर है, तो इसके लिए अभी स्पीति का पानी भी क्लीन है। बीआरओ बेस्ट है, मतलब कैसे कैसे सर्वे करता होगा वो। देखिए ये एक यहाँ से पानी आ रहा है और ये जाके स्पीति में मिल रहा है, और कैसे सर्वे किया होगा इस एरिया का कि कहाँ पे नीचे जाके एक पुल बनाना है जिससे आप इसको क्रॉस करवा सके। वाव वाव, मस्त रोड, मस्त सीन, मज़ा आ गया। दोस्तों अभी वो क्योटो आएगा जहाँ पे रांगरी होके आने वाला रोड और ये दोनों मिल जाएंगे, और फिर उसके आगे हंसा विलेज है जहाँ पे आपको खाने के लिए और शायद एक दो होमस्टे भी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद सीधा लोसर, लोसर में आपको स्पीति के इस बाजू भी रहने के और खाने के लिए मिल जाएगा, और स्पीति क्रॉस करके भी तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं वहाँ पे। लोसर विलेज ही है पूरा बसा हुआ, लोसर विलेज भी काफ़ी बड़ा है क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बड़ा लैंड है जहाँ पे खेती की जा सकती है, तो वहाँ पे खेती बहुत होती है, तो इसके लिए लोसर भी काफ़ी बड़ा है। मतलब यहाँ के बाद अब एक क्लोसर ही है जहाँ पे आपको वेजिटेशन दिखेगा, पेड़ दिखेंगे, ग्रीनरी दिखेगी। उससे पहले अभी हंसा विलेज में थोड़े बहुत पेड़ दिख जाएंगे आपको बस। हल्की सी बारिश हो रही है, अगर बारिश शुरू हो गई तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगी दोस्तों। मुझे याद है यहाँ से हम लोग जब साइकिलिंग कर रहे थे तो गर्मी की वजह से हमको एक पेड़ ढूंढ के, हंसा विलेज से पहले एक जंगल जैसा है छोटा सा, वहाँ पे पेड़ देख के पेड़ के नीचे जाके थोड़ी देर बैठना पड़ा था। और अब देखो ठंड लग रही है या धूप है, कुछ नहीं है। दोस्तों ये है
नीचे से जो रोड आ रहा है वो है एक रोड यहाँ आने के लिए, और ये एक दूसरा रोड है। वो रोड से आप आएंगे तो आपको आसानी से आ सकते हैं, कहीं पे आपको क्लाइम नहीं करना है। रोड स्ट्रेट टू स्ट्रेट है, आप काफ़ी ज़्यादा तेज आ सकते हैं। वहाँ आपको वहाँ से कम आधे घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। और ये है यहाँ से किब्बर का एंट्री पॉइंट, और ये वो रोड आके मिल रहा है। हम लोग जब 2017 में आए थे तो ये रोड नहीं था, रोड नहीं था मतलब रोड बना ही नहीं था। 15 में तो बिल्कुल भी नहीं था, 17 में तो कई कई जगह रोड था लेकिन ज़्यादातर ऑफ रोडिंग ही था। लोसर तक तो रोड ख़राब ही था, लोसर क्या यहाँ से फिर मनाली तक रोड ख़राब ही था। अभी पता नहीं कैसे है, देखते हैं। तो यहाँ से आने के बाद हम लोग यहीं पे नीचे आराम करने के लिए बैठ गए थे, धूप से बचने के लिए बैठ गए थे यहाँ पे नीचे जाके। इतनी गर्मी थी दोस्तों, और आज पूरी ठंडी है। जुलाई या अगस्त में आओगे तो यहाँ पे आपको पूरी ग्रीनरी दिखेगी। ये पूरा रास्ता और रास्ते के दोनों बाजू में एकदम ग्रीन रहता है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो सब सूख गया है। और आज अभी तो ठंड भी बहुत लग रही है, मतलब 1 बजने को हो रहा है फिर भी ठंडी हवाएं चल रही है। चंद्रताल में तो हालत ख़राब ही रहेगी। अभी आगे जाके यहाँ से हंसा विलेज आएगा जहाँ आपको खाने के लिए मिल सकता है। हंसा विलेज है, यहाँ पे अभी होम स्टे हो गए कि पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कैंटीन तो था खाने के लिए। शायद बंद हो गया,